हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। अजय देवगन और काजल तानाजी द अनसीन वॉरियर का प्रमोशन करते आए नजर। बॉलीवुड फर्टिनिटी के लिए पीयूष गोयल ने होस्ट की डिनर पार्टी। देश भर में हो रहे सीएए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बॉलीवुड की राय भी सीएए और एनआरसी को लेकर मिक्स रही है। जहां कुछ आर्टिस्ट ने इस बिल पर अपना सपोर्ट बताया है, वही कुछ ने इस पर अपना विरोध दर्शाया है। ऐसे में सीएए और डिस्कस करने रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रखी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए एक टेस्टी डिनर पार्टी, जहां पर सीए के बारे में कुछ मीटिंग भी की गई। इस मीटिंग में क्या और किस तरह की पार्टी हुई, इसका पता तो अभी तक नहीं लग पाया है। लेकिन जहां एक और पीयूष गोयल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को सीए के बारे में समझाते और बात करते में बिजी थे, वहीं ग्रैंड हयात जहां ये पार्टी रखी गई थी, वहां सीए के अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वहां आने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से अपील की कि वो उनके फैंस से और उन्हें सीए को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही प्राइवेट पार्टी थी जिसके सिक्योरिटी के इंतजाम काफी कड़े थे। पुलिस और सिक्योरिटी के कड़ी निगरानी में किसी को भी होटल के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मुंबई में विजुअली चैलेंज एथलेटिक्स के लिए रखे एसपीएन विजन रन 2020 में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहे मौजूद। टेलीविजन एक्टर्स इस मौके पर लोगों को मोटिवेट करते नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को भी इनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। 2020 का पहला संडे सभी ने बहुत एंजॉय किया, पार्टिसिपेट किए और सर्टिफिकेट मेडल्स भी जीते। सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी और सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। मीडिया से बात करते हुए सभी ने कहा कि एसपीएन विजन और सोनी चैनल्स का ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, बहुत हेल्पफुल भी है और सभी ने अपने अपने फिटनेस मंत्रा शेयर किया। फिट रहने के लिए नथिंग यार, मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज इज माई मंत्रा। सो या आई थिंक आई गो बाय दैट। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हमें मौका मिला है यहाँ पे आके इसका हिस्सा बनने का, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। ये विजुअली चैलेंज लोगों के लिए एक इनिशिएटिव है जिनके साथ गाइड रनर्स भी है, सो एक बहुत ही मोटिवेटिंग इनिशिएटिव है ये और बहुत अच्छा लग रहा है इसका हिस्सा होके। एंड इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग सुबह सुबह उठ के आना और यहाँ पे यू नो मैराथन, वैसे आई लव मैराथन्स, सो यू नो या इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन सच अ वे। बड़ा अच्छा लगा देख कर के ये कि जो विजुअली चैलेंज लोग थे जो यहाँ पे 200 के करीब आए हैं, उनके साथ 200 लोग और भाग रहे हैं, उनकी एक्साइटमेंट देख करके इंस्पायर हुआ मैं कि यस, हिम्मत कभी नहीं खोनी चाहिए, वी कैन अचीव। और ये बहुत खूबसूरत मौका था जहाँ हमें आने का अवसर मिला। थैंक यू वेरी मच, हमें यहाँ बुलाया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं। आई थिंक जस्ट हाइड्रेट एंड ईट हेल्दी, ईट वेल, एक्सरसाइज, हैव साउंड स्लीप। एक्साइटमेंट थी पर मुझे नहीं पता था इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मेरा फर्स्ट मैराथन एक्सपीरियंस है एंड ट्रस्ट मी आई एम टोटली इंस्पायर्ड और आई एम फीलिंग लकी कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ मेरा फर्स्ट मैराथन एक्सपीरियंस था। मुझे उनके चैलेंजेस पता चले कि लाइफ में कितने चैलेंजेस होते हैं। हम इतना पढ़ते तो हैं ब्लाइंड लोगों के बारे में, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के बारे में देखते हैं, बट मुझे आज एक्सपीरियंस करने को मिला यू नो कि उनके क्या चैलेंजेस होते हैं। मतलब रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर भी आए, स्टिल उनको यू नो दे आर नॉट एबल टू गेस, सो यू नो ये छोटे छोटे चैलेंजेस भी आई वॉज यू नो फुली मुझे अवेयर करवाया कि क्या होता है उनके लिए, कैसी होती है लाइफ।
सो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम लकी कि मैं इतनी बड़ी इंस्पिरेशन लेके वापस घर जा रही हूँ. परफेक्ट फीलिंग है एक्चुअली. एज अ सिंगर बॉडी वार्म अप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ. एंड मैराथन में जब हम सुबह मिलते हैं तो हम लोग बॉडी वार्म अप करते हैं. वी डू द वार्म अप एक्सरसाइजेज एंड दोज एक्सरसाइजेज आई पर्सनली एज अ वोकल कोच एंड अ सिंगर डू इट एवरी डे इन द मॉर्निंग. वेरी लाइट, सूटेबल टू माई ओन बॉडी. बट संडे ही नहीं, मेरे को लगता है सारा दिन, लाइक ऑल द डेज इन द ईयर शुड गो लाइक दिस. एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग. बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही. कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ. अलविदा.